दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिल वेंचर्स पार्क टंग नरवाना धर्मशाला। यूं तो पूरे हिमाचल में लावारिस पशुओं ने किसानों की नाक में दम कर रखा है, लेकिन देहरा के ढलियारा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ढलियारा के सूरजपुर में कई कनाल पर लावारिस पशुओं ने गेहूं की फसल साफ कर दी है। किसानों ने बताया कि ये लावारिस पशु दिन के समय सड़कों पर आराम फरमाते हैं, लेकिन रात होते ही ड्रैकुला की तरह खेतों पर टूट पड़ते हैं। किसानों ने बताया कि समूचे देहरा में ऐसे हाल है, लेकिन ढलियारा के सूरजपुर, घ्योरी, बिहण, जम्बलपसी में हालत बेहद खराब है। किसानों का सवाल है कि शराब की बोतल पर सरकार एक रुपया गोवंश के संरक्षण के लिए लेती है, आखिर वह पैसा जाता कहाँ है? आखिर क्यों गोसदन नहीं खोले जा रहे हैं? कृषि मंत्री रामलाल मारकंडेय और पशुपालन मंत्री आखिर कर क्या रहे हैं? क्या उन्हें किसानों का दर्द समझ नहीं आता? यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब किसान सड़कों पर बड़ा आंदोलन छेड़ने पर मजबूर होंगे। बहरहाल प्रदेश सरकार को तुरंत इस एरिया में गोसदन खोलना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है और ये जो फसल पशु आवारा गोवंश द्वारा बर्बाद की गई है, उसके प्रति आपका क्या कहना और सरकार के प्रति जो आपका रोष है उससे किस तरह से देखते हैं आप? देखो, ये आवारा गोवंश बहुत ही ज्यादा हो फैल चुका है ना, तो इसके लिए कोई ठोस नीति है सरकार की तरफ से, ना तो कोई पब्लिक इसमें अपना प्रबंध करती है। जो भी दूध लेते उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन सरकार भी हजारों रुपये जो है मेरे ख्याल से शराब का एक एक रुपया जो इकट्ठा होता है उस पर आज दिन तक कोई भी गोवंश जो मेरे ख्याल से हमारे नज़दीक देर में नहीं ढलियारा के आस पास नहीं खुला है। तो इससे जो है दिन में तो बांदर तंग करते हो, रात को जो है आवारा जो गोवंश है जो बहुत तंग करते हो, इनको कोई कटाता तो उसके पीछे भागते हैं। इस करके जो फसलें तबाह हो गई है और किसान का हाल जो है दिन प्रतिदिन बहुत खराब होता जा रहा है। आपका क्या नाम है और ये जो आवारा गोवंश द्वारा फसलों की बर्बादी हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम ध्यान सिंह है और जड़ियाँ एक गाय छोड़ रहे हैं दूध दध पी के ना भी छड़ दिया दे, तो जिम्मेदारों वास्ते तो कुछ भी नहीं हो। जिम्मेदार इतना पैसा भी लगा रहे हैं फिर भी वो नुकसान कर रहे हैं। कितने के दिन रात को जागते रहे हैं, क्या कर सकते हैं? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, इतना पैसा भी लगाया और गवर्नमेंट तो हमारे लिए कोई सहायता भी नहीं दे रही है। इनको गाय को कहीं गौशाला वगैरह करे, कहीं और कोई इनका हर्ष करे, तब तो हम ये कर सकते हैं। क्या जिम्मेदार का कमाने का क्या फ़ायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। सर, जैसे कि आप यहाँ के लोकल हैं, ये कौन सा एरिया पड़ता है? इस एरिया के तहत जो फसलें मैक्सिमम गेहूं की फसल की मौजूदा दौर में बिजाई हुई है और मैक्सिमम जो है वो वारा गोवंश के द्वारा ख़त्म कर दी गई है, आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपकी इस पे क्या विचार हैं? सर, ये ढलियारा पंचायत का सूरजपुर गांव है अपना। ये सर जो भी रात को तबाही हो रही है ये गाय की वजह से हो रही है। सर, यहाँ के किसान बहुत ही परेशान हैं, रात को 12-12 बज के उठ कर रखवाली कर रहे हैं फिर भी गाय अपनी फसल नहीं बचा पा रहे हैं। सर, गाय की वैसे तो पूजा करते हमारे वेदों में, परंतु आजकल कुत्तों को ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है। कुत्तों को गाड़ी में लोग घुमाने के लिए इधर उधर ले जा रहे हैं और गांव को सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं। सर, सड़कों पर छोड़ने के कारण एक्सीडेंट का खतरा भी है और अपना रात को ये फसल को भी तबाह कर रही हैं। सो इसके लिए सरकार को कोई ठोस नीति अपनानी पड़ेगी, या तो देरा सब डिवीजन में कोई बढ़िया सी गौशाला खोल दी जाए ताकि यहाँ का जो भी आवारा गाय हैं उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाए। बस सर, ये जो रात को आवारा गौवंश के द्वारा गेहूं की फसल की बर्बादी की जा रही है उस पर आपके क्या विचार हैं और इस गाय की इस दुर्गति के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? सर, ये गवर्नमेंट भी थोड़ा ध्यान नहीं इसमें, खेतीबाड़ी कर रहे हैं जो भी किसान वो बहुत ही उनको रात को भी परेशानी पड़ रही है। और देखो, सरकार जो खेती या ये शराब में भी एक एक रुपया भी जो टैक्स वगैरह कुछ भी काट के रख रहे हैं,
तो ये अपने गौ इस गौशाला वगैरह के लिए तो कोई खर्चा कर नहीं रहा है, और दिन में तो ये इधर उधर झुंड में बैठ के सड़कों में कोई कहीं भी ग्राउंड ग्राउंड में छुप के बैठी रहती, रात को 9-10 बजने के बाद पूरी रात परेशानी करनी पड़ रही है, और इनको अभी इधर उधर करके आओ तो 3-4 बजे या सुबह, तो सरकार को थोड़ा इस गौ वंश के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा इसका उपाय, और नज़दीक में जैसे सरोजी डेरा में या कहीं भी जगह जहाँ पे अच्छी लग रही है वहाँ उसको बनाना चाहिए, और ये मुश्किल बहुत है, खर्चा भी खेती में ज़्यादा हो रहा है। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके पीछे ये खेत हैं, और खेतों में जो है वो इस मौजूदा दौर में हालातों पे नज़र दौड़ाई जाए तो जो खेत हैं वो आवारा गौवंश द्वारा पूरे बर्बाद किए जा चुके हैं। आपका क्या नाम है और इस समस्या के प्रति आप सरकार से कितने संतुष्ट हैं और सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा नाम हंसराज है जी। कने हड़िया खेत बारह गाय जड़ियाँ बड़ी आई दिन सड़क च रहा कने राती इन्हें तंग कर दियाँ खेत च कने इन्हों का कोई उपा किया जा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए देहरा गोपीपुर से अनिल डोगरा की रिपोर्ट। हिल वेंचर्स पार्क एस्टैब्लिश्ड इन विलेज सालिग टोंग नरवाना धर्मशाला इज एन इमर्जिंग कैंपिंग साइट विद ब्यूटीफुल स्नोई धौलाधार माउंटेन्स इन द बैकग्राउंड। एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक कैंपिंग, कैंप फायर, चिल्ड्रन प्ले जोन्स, जिप लाइन, बंजी स्लिंग शॉट, ATV राइड्स, बॉडी जॉबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, rappelling, archery, swimming in natural pools, outdoor treks and hikes are organized. Restaurant, cafe and parking facilities are also available. Do visit to have fun with family and friends and live some beautiful moments of your life. For more information please call or email Hill Ventures. For website browse www.hillventures.in.